रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिब्बी फन्नी माशी तजारती माशरती इंतजामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मोहतरम डॉक्टर इलियास हुसैन सिद्दीकी साहब से तशरीफ लाएँ और अपने ख्याल जज्बा का इजहार करें। इलियास हुसैन सिद्दीकी साहब सर, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين। इस ताज़ियती नशिस्त के बावकार सदर जनाब सलीम शहजाद साहब स्टेज पर बैठी हुई मौजूद शख्सियात मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए, शहर के कलमकार और फनकार, ये सानिहा उर्दू अदब और उसकी तारीख में एक बहुत बड़ा सानिया है और न ये आसानी से भुलाया जा सकेगा न इसके असरात को आसानी से मिटाया जा सकेगा। मेरी अपनी सोच इस मामले में जो कुछ भी है वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। ये सच है कि ये शम्स ये सूरज जब गुरूब हुआ तो अंधेरे का एहसास बढ़ गया और बढ़ेगा, और ये भी कि वो एक रोशन मीनार नूर थे, रोशनी के मीनार थे जिससे उर्दू अदब के समुंदर में सफर करने वालों को रास्ता मिलता था। बहुत से लोगों को उन्होंने ठोकरे खाने से बचाया है अपनी तहरीरों के जरिए से, गलतियां करने से बचाया है, सही रास्ता दिखाया है। तफसील बिल्कुल उसकी इन तमाम पर गुफ्तगू करने की बहुत ज़रूरत है कि हमने शमसुर्रहमान फारूकी मरहूम से क्या पाया और हमको अपने अदब में अपनी तख्लीक में अपने कलम में कौन सी तब्दीलियां करने की ज़रूरत पड़ेगी और ख़ुद अपने आप को अगर हम शमसुर्रहमान फारूकी बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये नुक्ते नज़र मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ताज़ियती नशिस्तें तो होती रहती हैं, इस तरीके के नशिस्तन तो गुफ्तन बर्खास्तन से ज़्यादा अच्छी बात मैं ये इसको मानता हूँ कि अगर उनकी शख्सियत का उनके काम का कोई पहलू अगर हमारे काम का है तो हम उसको ले, इससे बेहतर मैं समझता हूँ किसी भी मरहूम के लिए खिराज अकीदत हो नहीं सकता। एक बात छोटी सी एक शेर के जरिए अर्ज करता हूँ, वो जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, वो जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, शेर यूं है, वो जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, जले चिराग तो खुद बन गया धुआं वो शख्स। वो आज हमारे सामने नहीं है लेकिन मैंने ये कहा कि जिस नुक्ते नज़र से मुझे आपके सामने गुफ्तगू करनी है दो चार बातें उसके ताल्लुक से ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उनके उसलूब पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे याद पड़ता है इसी शहर में हमारे बेबाग में एक नंबर निकला था एक शख्स का, अहमद उस्मानी मरहूम ने एक शख्स का नंबर निकाला था और उसका मजामीन उसमें शायद थे, उसमें निज़ामुद्दीन निज़ाम का भी एक मजमून था पहले नंबर। तो 15 दिन के बाद अहमद उस्मानी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आपने पढ़ा के लिए कुछ राय नहीं दिए बेबाग के ताल्लुक से। मैंने कहा क्या राय दूँ, अभी मैं पहले ही सफ़ा समझ नहीं पाया हूँ
कि क्या लिखा है, जब उसको समझ लूंगा तो आगे राय दूंगा। ये जानबूझकर इजहार कर रहा हूं। कुछ लोगों को जैसे मुश्किल पसंदी में मजा आता है। हमारे उमरन साहब बैठे हैं, मैं इनकी कभी कभी बड़ी तारीफ करता हूँ। क्यों तारीफ करता हूँ? इनका जो सादा और दिलकश उसलूब है, लिखने का जो अंदाज है, मैं उस वक्त से इस पर बहुत तवज्जो देता रहा हूँ और खुद अपने लिए मैं उसको रहने। मैंने सबसे पहले जो नस्ल ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो मौलाना अबू लाला मौदूदी मरहूम की नस्ल थी। दिलकश, रवा दवा, साफ वाजे, कोई गुंजलकपन नहीं, वजाहत उसमें थी, वसत थी, फैलाव था, बहाव था। यही उसलूब फारूकी ने भी अपनाया। कहीं आपको रुक कर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जुमला मैं समझ पाया कि नहीं समझ पाया। अपनी बात, अपना कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, जिस कंसेप्ट को आपके जहन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कंसेप्ट क्लियर करने में वो हमेशा कामयाब है। आम कारी भी उसको पा सकेगा, जिनका मुतालिया बहुत ज्यादा है वो भी उसको पा सकेंगे, और इस तरीके से वो शख्स और उसकी तहरीरें हर किसी के काम की हैं, सिर्फ खास लोगों के काम की नहीं। और जब वो एक एक चीज, ये जो अभी इसमें बहुत सारी चीजें लिखना बाकी है, बिल्कुल ये जो इतनी सारी इतनी खसूसियात उनके अंदर थी, मैंने कहा जब वो उन्होंने गालिब छपकून में आखिरी सफ़े पर गालिब के अशार की तशरीह शुरू की, कम से कम शहजादा 5 बार मैंने उनको ख़त लिखा, इख्तलाफी ख़त 5 बार, उसके शायद जवाब भी मेरे पास रखे होंगे, आप तक पहुँचेंगे। एक ऐसा शख्स जिसकी 40 शरहें पहले से मौजूद हो, उसमें आप क्या नया तलाश करेंगे? अगर वो कोई शख्स तलाश करने में कामयाब होता है तो आपको दाद देनी चाहिए कि इतने मरहले पार करके आया है, इतने लोगों को पढ़ के आने के बाद भी कुछ नई चीजें, तो गालिब का तो कमाल है ही, उसका भी कमाल है जिसने गालिब में ये खसूसियात दरियाफ्त की। मैंने देखा था कि वो इतनी वजाहत से इतनी तफसील, बल्कि मैंने ये कहा था कि आपके वजाहत की, आपके तशरीह की, आपकी तशरीह की कोई हद है कि नहीं? मेरी समझ से तशरीह एक हद तक जानी चाहिए, और बहुत दूर तक फैलाने के बाद शेर और तशरीह दोनों जुदा जुदा सिरों पर सफर करने लगते हैं। ऐसा मैंने एक बार उनको लिखा था, शेर के हवाले भी दिए थे उसमें, और उन्होंने बताया था, उसका जवाब उन्होंने मुझे दिया था कि अगर मैं जामियत के साथ उसको लिख के छोड़ दूं, ये नहीं कर सकता मैं, ऐसा मत समझिए, लेकिन ना गालिब का हक अदा होगा, ना मेरे कारीन तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूंगा। मुझे उनकी बात से इत्तेफाक, मैं अपने कारीन, हम लोग जबान का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? बाबा है उर्दू मौलवी अब्दुल हक का हम लोग नाम लेते हैं कि ऐसी गदब की खिदमात उन्होंने की हैं, लफ्ज लफ्ज मैं समझता हूं उनके उनकी खिदमात के बोझ तले दबा हुआ है आज भी। शम्सुर्रहमान फारूकी भी ऐसे ही एक शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है, अफसानों में, तनकीद में, तबसरे में, तशरीह में, हर मैदान में उनको देख लीजिए, आपको एक कोई ना कोई अपना उसलूब उन्होंने उसमें दरियाफ्त किया है, कायम किया है। लेकिन मैं आपसे पूछूं एक सवाल, अगर हम दुनिया को कुछ देना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले उन्होंने सब कुछ ग्रास्प किया, मुतालिया किया, डूब गए अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, खुद माहौल उनके घर के माहौल में वो फारसी बोली जाती थी, उनके वालिद बोलते थे, अहले जबान की तरह फारसी बोलते थे। खैर ये सब तफसील में उनकी सवाने से मुझे नहीं, मैं तो ये देखना चाहता, तो ये जो उन्होंने वहां पर सब सीखा, सब कुछ पाया, और पाने के बाद जब उनको लगा
कि बहुत कुछ इसमें बोलने की गुंजाइश है और लोगों तक कुछ ना कुछ चीज़ें इसी के ज़रिए से पहुंचाने की गुंजाइश है। तब उन्होंने कलम उठाया और ऐसा उठाया कि आज हम लोगों को उनके लिए दबा होकर उनकी ताज़ियत करने की ज़रूरत पेश आ रही है। वजह यह है कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने उर्दू अदब को ही नहीं ज़बान को भी दिया। मैं आपसे बहुत साफ कहता हूँ, वहाँ भी हमारे फरनोज साहब ने मनाजिर आशिक का नाम लिया, बगैर टेप के इंटरव्यू लेने गए थे। मनाजिर आशिक से मुझे शदीद इख्तलाफ रहा है। अभी परसों हमारे शहर के एक अफसाना निगार ने पोस्ट किया एक इस पे फेसबुक पर कि फेसबुक के बगैर कोई आदमी मशहूरी नहीं हो सकता। उनको बुला के यहाँ बता दें कि शमसुर रहमान फारूकी के बारे में आपकी क्या राय है। फेसबुक मशहूर होने का जरिया नहीं है, सिर्फ आपका काम मशहूर होने का जरिया है। अगर आप काम करते हैं तो आपको मशहूर होने का ये नहीं चलेगा। फारूकी ने ये कभी नहीं किया। गजल को गजल नुमा में ढाल दिया, डेढ़ मिसरे की गजल, गजल को आजाद गजल में ढाल दिया, जहां मिसरा मतलब पूरा हो जाए वहां रुक जाओ और आगे बढ़ जाओ, हो गया शेर तुम्हारा। गजल को दोहा गजल में ढाल दिया। ये सब करके लप्पन छप्पन करके कोई शख्स मशहूर हो सकता है? अदब को और समाज को कुछ नहीं दे सकता, ऐसा मेरा पूरा यकीन। बताइए मुझे, कब किया फारूकी साहब ने ऐसा? फारूकी मरहूम ने ऐसा कब किया? कौन से सिंध में उसने उसकी टांग तोड़ने की कोशिश की, मुझे बताइए आप। गजल की, नावेल की, अफसाने की, शायरी की, किसकी टांग तोड़ने की कोशिश? ये बात हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए। जो फारूकी का पैगाम मैंने पाया, वो पैगाम मेरे नज़दीक यही है कि आपको कुछ उसूलों, फनी उसूलों की बात करता हूँ मैं, कुछ फनी उसूलों की पासदारी आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आप ज़बान को ज़िंदा रखने का काम नहीं कर सकते। वो फनी उसूल उसने मुतय्यन किए, वो फनी उसूल उसने हमको बतलाए और बहुत वजाहत से बतलाए, माशाल्लाह बहुत वजाहत से सब कुछ हमारे जहन में ग्रास्प हो गया। मैं गुफ्तगू करने पे आऊँ तो उनको बहुत सारी उनकी तहरीरों पर बात हो सकती है कि कैसे कैसे उन्होंने हम तक बात पहुँचाने की कोशिश की। कवायद में भी थे, सर्फ नहु में भी थे, ग्रामर में तो थे ही, हर सिर्फ में उन्होंने अपना। मगर यही मैं आपसे भी कहता हूँ, यहाँ मेरे फनकार भाई मौजूद हैं, कलमकार मौजूद हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपके पास है और आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है और अब मैं समाज को कुछ दे सकता हूँ, तभी आप कोशिश कीजिए, वरना कोशिश मत कीजिए, आपकी कोशिश अधूरी रह जाएगी। मैं मुझे आपसे बोलने का मौका दिया, मैं यहाँ पर फारूकी साहब के ताल्लुक से इजहार ताज़ियत करता हूँ और इसको ऐसा मानता हूँ कि ये हमारे उर्दू अदब का ही नहीं, उर्दू ज़बान का भी बहुत बड़ा नुकसान है और ये नुकसान, ये इसकी भरपाई करने की हमको जद्दोजहद करना है, इसकी कोशिश करना है और उनकी उसके ज़रिए से सबक लेकर हमको अपने आप की इसलाह करना है, अपने आप को ऊंचा उठाने की जद्दोजहद करना है। और उसके लिए जो डेडिकेशन उन्होंने उर्दू के लिए अपनाया था, वो डेडिकेशन हमको अपना कर, अब पार्ट टाइमर नहीं चलते, किसी फील्ड में पार्ट टाइमर नहीं चलते, अब आपको फुल टाइमर होना पड़ेगा। मुकम्मल वक्त देंगे, मुकम्मल कहाँ तरीके से काम करेंगे, तब आप कुछ कार्रवाई नुमाया अंजाम देने के काबिल हो सकेंगे, वरना हम मेरे जैसे लोग तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते ही रहते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमको ये सारी चीज़ें उनसे हासिल करके अपने आप को बुलंद से बुलंद करना है और उर्दू की खिदमत के अपने आप को काबिल बनाना है। वो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। All right.